मुंबई से सडे भिवंडी में ज्वाइंट ग्रुप ऑफ भिवंडी ने महिला जागतिक दिवस पर एक बाइक रैली निकाली जिसमें सैकड़ों महिला बाइकर्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दरअसल यह रैली भिवंडी के शिवाजी चौक से शुरू होकर पूरे शहर में घूमकर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल तक पहुंची, जिसमें पहली महिला बाइकर्स हर्षिदी कानेरकर सहित कई महिलाएं शामिल थी जो समाज में महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है। पेश हमारे भिवंडी के संवाददाता अमृत शर्मा की खास रिपोर्ट। और इस रैली के थ्रू हम बताना चाहते हैं हम भिवंडी की औरतें भी काफ़ी आगे हैं और इस रैली के थ्रू हम इन अन्याय जो आजकल महिलाओं के साथ हो रहा है उसके अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर दिखाना चाहते हैं कि ये जो अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे, अब ये महिलाएं ये अन्याय ये जो जुल्म हमारे पर होता आ रहा है किसी न किसी माध्यम की वजह से, चाहे वो घर के थ्रू हो ऑफिस हो हर जगह जिस तरह से हमें डोमिनेट किया जा रहा है हम अब नहीं सहेंगे। ये एक तरह का हमारा बिगनिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है थ्रू द उड़ान उड़ान का जो उड़ान उड़ान ये एक औरतों की नई उड़ान है जो शुरू हो चुकी है। थैंक यू। कौन से ऑर्गेनाइज ने ऑर्गेनाइज किया है? मेरा नाम डॉक्टर निशा हितेश चौहान है। ये उड़ान बाइक रैली 2016 ये हमारे जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी जो एफिलेटेड है जायंट्स इंटरनेशनल से उनके निमित्त ये रैली हमने आयोजित की है विमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए। वैसे उसके बारे में विमेंस डे सेलिब्रेशन होता है एवरी ईयर 8 मार्च को, पर हमने ये रैली आज आयोजित की है रविवार होने के कारण 13 मार्च को। और इस रैली को का उद्देश्य है हमारा कि हम सभी को एक मंच पर किसी भी धर्म जाति की परवाह न करते हुए सारी औरतों को एक साथ इस मंच पर खड़े रहना है, हाथों से हाथ मिलाकर अन्याय के विरुद्ध। हमारा विरोध है अन्याय के खिलाफ जो किसी भी तरह की किसी भी जाति की महिला पर होता है, चाहे वो घर में हो उसकी वर्किंग प्लेस पे हो या इस देश में हो रहा हो, हम सब उसके खिलाफ ये रैली करने जा रहे हैं। और ये रैली बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होने वाली है और इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें किसी भी तरीके से पुरुषों को कम आंकना है या उनसे ऊपर का दर्जा हम चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं 50% पार्टिसिपेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन को एक मंच पे साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है। ये रैली कहाँ से स्टार्ट होगी? ये रैली शिवाजी चौक से स्टार्ट होगी, वहाँ से होते हुए मंडई तीन बत्ती जकात नाका, फिर वहाँ से कल्याण रोड होते हुए IGM इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पर खत्म होने जाएगी। मेरा नाम हर्षिनी कान्हेकर है और निशा जी ने ये उड़ान की जो राइड है वुमेंस की राइड के लिए मुझे एक दो हफ्ते पहले मुझे अप्रोच किया था कि मैडम आप इस राइड में आइए हम लोग को एंकरेजमेंट मिलेगा। और जो यहाँ आके जो मैं नज़ारा देख रही हूँ मैं सबसे ज़्यादा एंकरेज हो गई हूँ कि बहुत बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने एक प्रयास है जागतिक महिला दिन रहते 8 मार्च, लेकिन मेरे अनुसार मैं चाहती हूँ कि 365 डेज आर वुमेंस डे और उसके लिए एक छोटी सी शुरुआत है। जो भी लेडीज़ वर्किंग है लेकिन जो भी लेडीज़ घर पे रहती है वो भी ये रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एज की लेडीज़ हर एक गाड़ी जो भी जिनके पास अवेलेबल है घर से बाहर निकल के एक छोटी सी उड़ान ही है। तो ये जो नाम दिया गया है वो काफ़ी वर्थ है इस राइड के लिए और मैं बहुत खुश हूँ मैं पहली बार ऐसी वुमेंस रैली में आई हूँ और मैं खुद बहुत प्राउड और एंकरेज फील कर रही हूँ। आप एक बाइकर हैं तो आप किसी तरह से महिलाओं को एंकरेज करना चाहोगे?
मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी, जो भी बाइक आप चलाते हो, बाइक को पता नहीं रहता कि इसमें जेंट्स बैठ रहा है कि लेडीज बैठ रही है। सो इट्स इमटेरियल। किसी ने ऐसा नहीं लिखा है कि ये व्हीकल आप नहीं चला सकते हो, या फिर ये बुक है ये आप नहीं पढ़ सकते हो। तो ये जो माइंड सेट है वो अपने को तोड़ना है। सिर्फ हम बोल के नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा खुद। सो मैं खुद एक हार्ड कोर राइडर हूँ, काफ़ी मुझे राइडिंग पसंद है, मैं करती हूँ मेरा टाइम निकाल के। मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने एक प्रयास किया है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के भी अगर कोई एंकरेज हो इस फील्ड के लिए, तो मुझसे खुशी से बहुत खुश भी। और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो घर में बैठती है, टीवी देखती है, लेकिन आना सोचती है लेकिन आ नहीं पाती है? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक महिला IAS और IPS ऑफिसर बने। नहीं होता है, नहीं होता है। बट अगर आप घर पे, अगर आप गृहिणी भी है, तो आप एज अ वुमन राइट्स, आप आपकी हॉबीज डेवलप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एजुकेशनल फील्ड में ही जाए, और आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो घर में रह के भी। अगर आपको कुछ काम करने की इच्छा है लेकिन घर से परमिशन नहीं मिल रहा है, बट अन्याय, ये कोई भी अन्याय छोटा मोटा जो भी है, लेकिन शी शुड फाइट अगेंस्ट इट। तो मैं यही उनको कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ फाइट करें और अपने फील्ड में रह के भी आप फाइट करें। फाइट मतलब हथियार उठाना है हमें आवाज़ के खिलाफ। मला खूप अभिमान वाटतं आज इकडे येऊन की आज उडानचा आहे, आणि खूप महिला खूप संख्येत आहे हे बघून मला आज खूप त्याच्यात हिंदू मुस्लिम सगळं आहे, एकजुटून काम करतात, त्यासाठी मला खूप अभिमान वाटतं। आणि असंच आपलं भिवंडीमध्ये चांगलं काम करू दे, आणि मी जैन ग्रुपचा आभारी आहे मला इकडे बोलून, आणि जैन ग्रुप चांगलं काम करतात, त्यांचा आभारी वाटतो। महिलांचा म्हणजे महिला किती पुढे आहेत का आहेत ते आपण दाखवण्यासाठी हे उडान आपली रॅली आहे आपण ऑर्गनाईज केलं आहे। या उडानमुळे महिलांना एक हे भेटलं आहे की पुढे जाण्याची आहे, आणि महिला दुसऱ्यांशी फाईट पण करू शकेल।